नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार ने आज नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कुछ देशों को यानी कि 3 देशों को जोखिम भरे देशों को अलर्ट पर रखा गया है और उन देशों से आने वाली यात्रियों के लिए सख्त नियम बना दिए गए हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से बढ़ती चिंताओं के बीच मुंबई नगर निकाय ने बुधवार को शहर के हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले सभी घरेलू यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य कर दिया है। ये जांच 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बीएमसी ने एक परिपत्र में मुंबई हवाई अड्डे के संचालक को नए नियम के बारे में सभी घरेलू विमान कंपनियों को अवगत कराने को कहा है। निर्देश के मुताबिक मुंबई हवाई अड्डा संचालक सभी घरेलू विमान कंपनियों को अवगत कराए कि वे मुंबई में उतरने वाले किसी भी यात्री को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के बिना विमान में ना चढ़ने दें और ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। नगर निकाय ने कहा कि अगर परिवार में संकट की स्थिति जैसा आपदा स्वरूप मामले में आरटीपीसीआर जांच से छूट दी जा सकती है और मुंबई में हवाई अड्डे पर जांच की जा सकती है। बीएमसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के निर्देश 2 दिसंबर रात 11:59 से लागू होंगे। भारत की यात्रा करने या भारत से होकर जाने की योजना बना रहे यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषणा फॉर्म भरना है, जिसमें उन्हें अपनी पिछले 14 दिनों की यात्रा के बारे में जानकारी देनी है। साथ में पासपोर्ट के प्रति कोविड-19 की आरटीपीसीआर पद्धति के जांच की नेगेटिव रिपोर्ट जमा करनी है, जो यात्रा शुरू करने से 72 घंटे से ज्यादा पुरानी ना हो और जांच रिपोर्ट की प्रमाणिकता घोषित करनी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन पूर्व और आगमन पश्चात जांच से छूट दी गई है, लेकिन यात्रा के दौरान या घर में पृथकवास में रहने के दौरान उनमें कोविड के लक्षण दिखे तो उनकी जाँच की जाएगी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। बीएमसी ने भी नियमों को अब सख्त कर दिया है, यानी कि अन्य राज्य से अब मुंबई में आने वाले लोगों को भी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए अपने दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। घरेलू हवाई यात्रा के मामले में यात्रियों को या तो पूरी तरह से टीका लगवाना होगा या बोर्डिंग से पहले 72 घंटे के भीतर नेगेटिव परिणाम दिखाने वाला आरटीपीसीआर परीक्षण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ले जाना होगा। राज्य सरकार के संशोधन नियमों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिवसीय क्वारंटीन अनिवार्य है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार की अलग गाइडलाइंस पर केंद्र ने गहरा एतराज जताया था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप कुमार व्यास को पत्र लिखकर राज्य की गाइडलाइंस को केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुरूप लाने को कहा था। साथ ही इसके व्यापक प्रचार का निर्देश भी दिया था ताकि यात्रियों में किसी भी तरह का भ्रम नहीं रहे। महाराष्ट्र के दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए भी 48 घंटे पहले का नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य किया है, जबकि देश के भीतर किसी भी राज्य में इस तरह की अनिवार्यता नहीं है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। अब सीरम इंस्टीट्यूट ने मांग की है कि कोविड शील्ड की बूस्टर डोज को मान्यता दी जाए। कोरोना वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से कोविड शील्ड को बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी देने को कहा है। एक खबर के अनुसार इस संबंध में कोविड शील्ड की तीसरी खुराक को बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगी गई है। कोविड शील्ड की खुराक वर्तमान में देश में व्यापक रूप से उपलब्ध है। सीरम ने मांग की है कि कोरोना के नए रूप का सामना करने के लिए इसके बूस्टर डोज को मंजूरी दी जाए। कोरोना से जूझ रहे देशों ने बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी है। अमेरिका जैसे देशों में 20 सितंबर से सभी नागरिकों को कोरोना का बूस्टर डोज दिया जाएगा। अमेरिका सरकार ने यह फैसला डेल्टा वेरिएंट के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया है। इसी बीच मुंबई में टीकाकरण कार्यक्रम की गति तेज की जा रही है और दोनों खुराक प्राप्त करने वालों को बूस्टर खुराक देने की योजना पर काम चल रहा है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मिर्जापुर में ललित का किरदार निभाने वाले ब्रह्म मिश्रा का आज निधन हो गया। उनकी लाश उनके ही बेडरूम के बाथरूम में पाई गई।
वेब सीरीज मिर्जापुर का हर किरदार लोगों के जहन में जिंदा है, लेकिन किसे मालूम था कि मुन्ना भैया के खास दोस्त ललित का किरदार निभाने वाले ब्रह्मा मिश्रा अचानक ही दुनिया को अलविदा कह देंगे। इस खबर ने न सिर्फ उनके साथ काम करने वाले कलाकारों को चौंकाया है, बल्कि मिर्जापुर के फैंस भी इस खबर से बेहद दुखी है। दरअसल 29 नवंबर को ब्रह्मा के सीने में अचानक दर्द शुरू हुआ था, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर से गैस की दवाई ली और घर वापस लौट आए। इस बीच उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनका 32 साल की उम्र में निधन हो गया। ब्रह्मा मिश्रा की दिल का दौरा पड़ने से मौत के बाद सबसे दर्दनाक बात ये थी कि 3 दिनों तक उनकी लाश घर के बाथरूम में पड़ी रही। 3 दिनों के बाद मुंबई में पुलिस उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया, जिससे पता चल सका कि उनका मौत कब और कैसे हुई है। ब्रह्मा मूल रूप से भोपाल के पास रायसेन के रहने वाले थे। उन्होंने रायसेन से 10वीं तक पढ़ाई की है, जबकि उनके पिता भूमि विकास बैंक में कार्यरत थे। एक्टर बनने का सपना लेकर ब्रह्मा मुंबई में ही बस गए थे। हालांकि मुंबई में संघर्ष के दिनों में फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान उनके पिता और बड़े भाई संदीप उन्हें सपोर्ट किया करते थे। न्यूज टेक्स्ट मेट्रो मुंबई। बीडीडी चौल सिलेंडर ब्लास्ट में घायल 4 महीने के बच्चे की आज निधन की खबर सामने आई है। नायर अस्पताल की लापरवाही सामने आई थी, जहां पर तड़पते हुए मरीजों का इलाज नहीं किया गया था। 30 नवंबर को वर्ली के बीडीडी चौल में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिस सिलेंडर ब्लास्ट में 4 लोगों के झुलसने की खबर आई थी। घायलों को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद नायर अस्पताल से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि पूरी तरीके से जला हुआ एक व्यक्ति इलाज के लिए गुहार लगा रहा है, तड़प रहा है, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसके इलाज के लिए वहां पर मौजूद नहीं था। वहीं दूसरी ओर देखा जा सकता था कि एक 4 महीने का बच्चा पूरी तरीके से झुलसा हुआ रो रहा है। 4 महीने का बच्चा जो कि अपनी दर्द बयां भी नहीं कर सकता, महज रोने के अलावा उसके पास और कोई भी चारा नहीं था। चीख चीख कर वो अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकता, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। नायर अस्पताल की लापरवाही के कारण उस 4 महीने के बच्चे को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और पूरी तरीके से झुलसने के कारण डॉक्टर्स उसकी जान नहीं बचा पाए। अब इसको लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है। वहीं उसी दिन इस मामले को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए गए थे और साथ ही ये भी आश्वासन दिया गया था अगर दोषी पाई गई तो कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इस 4 महीने के बच्चे की मौत ने सभी को सहमा कर रख दिया है। न्यूज टेक्स्ट मेट्रो मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज 22 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, लेकिन इन 22 दिनों में भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जैसे ही इस चीज की भनक लगी कि ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, उन्होंने अस्पताल से देखिए किस तरह अपना काम संभाला। लंबे वक्त से गर्दन की तकलीफ से परेशान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को आज यानी गुरुवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सीएम ठाकरे मुंबई के सर एचएन अस्पताल फाउंडेशन में भर्ती थे, जहां हाल ही में उनकी सर्जरी भी की गई थी। सीएम ठाकरे एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती थे, हाल ही में उनकी एक इमरजेंसी सर्जरी की गई। दरअसल कुछ दिनों पहले सीएम ठाकरे की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की गई थी। वो इससे ठीक हो रहे थे कि अचानक उनकी रीढ़ की हड्डी में रक्त के थक्के जमने की बात सामने आते ही डॉक्टर्स को उनकी इमरजेंसी सर्जरी करने पड़ी थी। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की बहुत तारीफ हो रही है। तारीफ इसीलिए हो रही है, सराहना इसीलिए की जा रही है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीमार होते हुए भी सर्जरी के बाद भी अपना फर्ज निभाया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अस्पताल से ही मुख्यमंत्री का फर्ज निभाया। अस्पताल से ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गाइडलाइंस जारी किए। अस्पताल से ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कैबिनेट बैठक बुलाई। अस्पताल से ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रियों को और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया। बीमार होते हुए ये फर्ज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निभाया। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भर्ती होने के बाद लगातार ये अटकलें तेज थी कि महाराष्ट्र का सीएम का कार्यभार अब कोई और संभाल सकता है, लेकिन आज मुख्यमंत्री ठाकरे डिस्चार्ज हो गए और वर्षा बंगले से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। न्यूज टेक्स मेट्रो मुंबई।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को आज सस्पेंड किया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनके सस्पेंशन लेटर पर खुद दस्तखत किया। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को डीजी होमगार्ड और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने देवाशीष चक्रवर्ती के रिपोर्ट पर परमबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है। परमबीर सिंह पर सेवा के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। दरअसल परमबीर सिंह ने इसी साल मार्च महीने में मुख्यमंत्री ठाकरे को एक चिट्ठी लिखकर तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। पुलिस अफसर ने लिखा कि देशमुख सचिन वाझे को हर महीने बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ की वसूली करने को कहते थे। इसके बाद हुए हंगामे के बाद अनिल देशमुख जेल में चले गए और परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर उन्हें होमगार्ड का डीजी बनाया गया था। आखिरी बार उन्हें मई 2021 में ही ऑफिस में देखा गया था और तभी से वो गायब थे। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने इस मामले में आईपीएस परमबीर सिंह के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए थे। एसीएस देवाशीष चक्रवर्ती ने ये जांच की थी, जिसमें उन्हें ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के नियमों के उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। करीब 230 दिन बाद परमबीर सिंह 29 नवंबर को फिर अपने ऑफिस पहुंचे थे, हालांकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद उनके सस्पेंशन लेटर पर साइन किया। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन आज कुछ समय के लिए सुस्त पड़ गई थी, जिसके बाद मुंबईकरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। विरार से चर्चगेट के बीच की फास्ट लोकल भी आज धीमी गति से चल रही थी। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन आज धीमी पड़ गई। मुंबईकरों की रफ्तार आज कम हो गई। दरअसल हुआ यूं कि कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण विरार से चर्चगेट तक के फास्ट ट्रैक में कुछ खराबी आ गई, जिसके चलते विरार से चर्चगेट की सभी फास्ट लोकल ट्रेनों को स्लो ट्रैक पर डाइवर्ट करना पड़ा था और बार बार ट्रैक बदलने के चलते फास्ट लोकल की गति स्लो से भी धीमी हो गई। कई लोग तो परेशान होकर और काम पर पहुंचने में देरी ना हो इसलिए ट्रैक पर उतर कर चलने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि लोकल हर 5 मिनट के बाद 15 मिनट के लिए रुक जा रही थी। अब लोगों के पास इतना समय नहीं था कि इतना इंतजार करें। हालांकि अब सब कुछ सामान्य हो गया है और लोकल अपनी गति से चल रही है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो वक्त हो गया है मुंबई के आज के कोरोना अपडेट का, एक नजर डालते हैं मुंबई के कोरोना अपडेट पर। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 228 मामले सामने आए हैं। 216 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है, वहीं एक मरीज ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। 36,188 की टेस्टिंग की गई, जिसमें से 228 के रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,913 है। मुंबई में रिकवरी रेट 97% है। कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या 15 है। न्यूज डेस्क मुंबई। ममता बनर्जी ने अपने लिए मुसीबतों को न्योता दे दिया जब उन्होंने एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान तो गाया, लेकिन ना ही राष्ट्रगान को पूरा किया और ना ही सही तरीके से गाया। अब इसको लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ मुंबई में कई मामले दर्ज करा दिए जा चुके हैं। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो जय महाराष्ट्र जय बंगाल जय भारत। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिन के मुंबई दौरे पर थी। 2 दिनों के दौरान उन्होंने शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से मुलाकात की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार से मिलने के बाद ममता ने बुधवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं है। ममता के मुंबई दौरे के बीच अब एक विवाद भी उनके साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार से मिलने के पहले दोपहर 1 बजे ममता बनर्जी की मुलाकात सिविल सोसाइटी के लोगों से हुई थी। इस मीटिंग के दौरान ममता पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लग रहा है। इसको मुंबई बीजेपी नेता विवेकानंद गुप्ता ने ममता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मोहित कम्बोज और भाजपा ने अतुल भातखलकर ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में आरोप है कि बुधवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कथित तौर पर बैठने की स्थिति में राष्ट्रगान गाया और फिर अचानक 4 या 5 छंदों के बाद रुक गई और अचानक इसे बीच में रोककर ही वहां से चली गई। उन्होंने राष्ट्रगान के प्रति पूर्ण अनादर दिखाया है, इसीलिए पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई करे। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।
ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।